एक बार हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ आइस 50 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट स्टार्ट विद स्पीड 5 m/s एंड स्टॉप आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस। द मास ऑफ आइस दैट हैज मेल्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सर्फेस। हम लोग ये मान रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट, मतलब कि जो पूरी की पूरी एनर्जी थी वो सब कुछ किसमें चला गया है, हीटिंग के लिए चला गया है। तो देख लेते हैं इन पर भाई, हाफ एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 इंटू किस स्पीड से चल रहा है, 5 की स्पीड से, तो 5 × 5। अब ये पूरा किस में चल रहा है, जूल में चल रहा है। अगर लोग ध्यान से देखें तो 1 कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल दिया हुआ, तो यहाँ रख लेंगे कितना, 4.2 इंटू कितना मास मेल्ट हो गया, पता लगाना है। मेल्टिंग की बात हुई है तो एम एस डेल्टा टी नहीं एम एल लगाएंगे, और एल की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 80 कैलोरी पर ग्राम। यहाँ से जो जवाब है वो ग्राम में आता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं एक बार कैलकुलेशन। 2 से कट कर देंगे 25, और इंटू में क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 42 इंटू में क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करें तो कितना आ जाएगा, 25 × 25 625 डिवाइडेड बाई 8 × 16 8 × 32 32 और 1 33 336 25/336 करेंगे तो ये तो लगभग 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 2 से हल्का सा कम आएगा। 2 से हल्का सा कम वाला जो है वो हम लोगों को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, 1.86 ग्राम आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4th ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, थैंक यू।